बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में बिल्कुल ही खुशबाश होंगे। तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी किचन ऑर्गेनाइजर एंड डेकोर आइडियाज़। तो जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात में किचन की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, और मेरी हर बहनें चाहती हैं कि हमारा किचन साफ़ सुथरा और सेट हो। तो आप इसे काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइज़र के आइडियाज़ ले सकते हैं, किचन डेकोर के आइडियाज़ ले सकते हैं। जैसे कि मुझे किचन को साफ़ सुथरा रखना बहुत पसंद है, जैसे कि हर बहनों को पसंद होता है, ये नॉर्मल बात है, लेकिन मुझे ओवर पसंद है, या आप मेरी मजबूरी समझ लें। तो लोग मुझे बोलते हैं कहीं किचन में ही तेरी जान ना चली जाए। मुझे बहुत सफाई वगैरह पसंद, सेटिंग करना पसंद है। अगर देखें कहें तो आपके घर में कोई फर्नीचर का काम लगा हुआ है तो भी आप ऐसे ऑर्गेनाइज़र अपने घर पे बनवा सकते हैं, काफ़ी इसमें अच्छे ऑर्गेनाइज़र हैं। और जो मैं बोलती हूँ ना कि ग्रीनरी अपनी हर जगह रखा करें, बेडों में, लिविंग रूम में, किचन में, उससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। आप इस डेकोर आइडियाज़ में देखेंगे, आप ज़्यादातर किचन में आप ऐसे प्लांट रखे होंगे, तो आप अपने किचन में या तो आर्टिफिशियल प्लांट या तो नेचुरल प्लांट कोई सी भी रखें, लेकिन रखें। और गाइस, अगर प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और मैं भी अपने ख्वाब, अपने मामा के ख्वाब पूरे कर सकूं। और मेरे जिन बहनों को भी जो ख्वाब है, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर बहनों के ख्वाब पूरे करें, मेरे भी और आप सबके भी जायज़ ख्वाब को पूरे करें। तो प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।